मैं उम्मीद करता हूँ कि आज सभी पंचवर्ष के मतदाता अपने वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार अच्छा निर्णय जनता हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता देगी। ठीक है, बदलेगा सर इस बार पाँच साल पाँच साल? मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अनुभव दिखा रहा जो कि परफॉर्मेंस रही पिछले पाँच साल एज ऑपोजिशन उसको भी लोग देख रहे हैं। हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका परिणाम हम लोगों को मिलेगा और पार्टी हमारी सोच हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए पाँच साल का उसको लोग आँक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पाँच साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग हैं सरकार बनाना। हम लोग तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है ना चुनाव लड़वा सकता है, पूरा टीम एफर्ट होता है और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष करकर हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे, पांच गुना हमारी सीट बड़ी, हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस बार हम सरकार में हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं, लोगों की संसाधनों से लोगों की मदद कर पाए हैं, तो इसलिए थोड़ा काम आसान है। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उसको लोग बदलना चाहते हैं और देश के साथ देश में जो सरकार है उसको भी 10 साल से लोग देख रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी सब देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो आप कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, जो बिखराव है, जो खिंचाव है, जो तनाव है वो भाजपा में है। हम लोग तो पहले भी एक थे, आज भी एक है और पार्टी को जरूरत आज है, पार्टी को जरूरत है हम स्टेट में चुनाव जीते, स्टेट्स में हम चुनाव तब जीतेंगे जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम इसी दिशा में काम करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि हम लोग बहुमत ला पाएंगे, इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं भविष्यवाणी इतनी कर सकता हूं कि मुझे जनता के वोट पर, जनता के विवेक पर विश्वास है। हमारा जो रिस्पांस कैंपेन का रहा, राहुल गांधी जी आए, खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आए, तमाम रैलियां की पूरे प्रदेश में, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट किया। भाजपा के कैंपेन में दम नहीं था, वो बहुत कोशिश उन्होंने की, प्रदेश के नेताओं से खूब करवाया, अंत में फिर बाहर के लोग आके यहाँ भाषण देके गए हैं, लेकिन जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो कांग्रेस के साथ है। रिस्पांस हमको मिला वो बहुत पॉजिटिव है और हम लोग पिछली बार से ज्यादा बहुमत ला सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री ने आपका नाम लेकर भी कई बार कहा और खासकर कई समय प्रधानमंत्री ने की, मुझे खुशी होती है अगर केंद्रीय नेता भाजपा के यहाँ पे आकर अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं कि उन्होंने कितना 10 साल में काम किया, राजस्थान प्रदेश को क्या विशेष परियोजनाएं दी है, राजस्थान को स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया है, इन्वेस्ट किया है, हमारे को हमारे अधिकार का पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो राजस्थान के लोगों के बारे में अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते, अपना विजन प्रस्तुत करते। हम लोग बात करते हैं नौजवान की, किसान की, बेरोजगारी की, महंगाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, उसकी चर्चा नहीं करना है, तो वो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं और मैं समझता हूँ कि जनता समझ रही है कि वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को करते हैं और बजाय इसके कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें, डेवलपमेंटल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का उदाहरण देने की कोशिश भाजपा को करनी चाहिए। वो काम हमने किया है इसलिए मुझे लगता है जनता हमको पसंद करती है। देखिए आप, आपके सामने ही हो रहा है मेरा प्यार उदार, ये मेरा मौला है, मेरे मौले के अंदर बुजुर्ग महिला है, इनका इनको मेरा बचपन याद आता होगा, मेरा बचपन याद आता है, इसलिए आशीर्वाद दे रही है मुझे, ठीक है ना। चौथी बार आपको लग रहा है आपकी सरकार जो है वो रिपीट हो रही है क्या? रिपीट हो रही है। गारंटी होगी, कैडिबिलिटी बहुत हाई कैडिबिलिटी गारंटी होगी है सरकार, उसमें रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी की बातों में कोई दम नहीं है, ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे, ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग।
हम लोग यही रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले, 5 साल बाद आएंगे सब लोग, आप समझ सकते हो जनता के लिए आते हैं। मेरा आग्रह सबसे है, स्पेशली नव मतदाताओं से, कि वो लोग सब आए, अपना जोरदार तरीके से अपना वोट कास्ट करें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं सब मिलके। मैम क्या लगता है कौन से मुद्दे प्रमुख होंगे आज के, इन मुद्दों को लेकर जनता? अब वो तो अब देखेंगे आप पब्लिक। रिवाज क्या लगता है, क्या रिवाज बदलेगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जनता अब की बार मतदान करते समय जो 5 साल तक दुख तकलीफ कष्ट सहे, महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ, महिलाओं के साथ जो अपराध हुए, उन एक एक अपराध के का जैसे बदला ले रहे हो, जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिस तरह से राजस्थान में अपराध बढ़ा, जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा, इन सब विषयों को संज्ञान में रखते हुए अब की बार राज बदलने के लिए और एक नया इतिहास कायम करने के लिए राजस्थान की जनता मतदान करने वाली है। राजनीति का सबसे भद्दा उदाहरण पिछले 5 साल राजस्थान के अंदर रहा, मतलब जितना मिला था उससे खुश नहीं थे, और ज्यादा चाहिए था, और उस स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी को भी खड्डे में धकेला और राजस्थान को भी खड्डे में धकेला। ये हुआ है कांग्रेस के राज में, कि हमें उनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनकी पार्टी से वैसे भी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है, ना दूरदृष्टि है, ना कोई संकल्प है, लेकिन हमारा सारी चिंता राजस्थान की जनता के लिए थी जो 5 साल पिछड़ गई, और खास तौर से युवाओं के लिए 5 साल बहुत बड़े होते हैं, और देश जब आगे बढ़ता है तो उसमें राजस्थान पीछे कैसे रह सकता है, और बिना राजस्थान के देश का जो ताज है वो अगर भद्दा हो जाए तो फिर वो, इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राजस्थान के चुनावों के अंदर है, कि राजस्थान को हर तरह से आगे लेकर आना है, पिछले 5 साल की भरपाई करनी है। कांग्रेस से कोई, कांग्रेस कह रही है कि अंडर करंट है उनका। कांग्रेस को 3 तारीख को पता चल जाएगा, हो सकता है कुछ एक को करंट भी लग जाए, लेकिन जो जन सैलाब है, जो जनता का जो भाव है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैं तो देखिए, आप भी क्षेत्र में थे, मैं खुद पिछले 50 दिन गांव-गांव गया, जिस तरह से महिलाओं का खास तौर से आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे जो संकल्प है, हमारी जो विचारधारा है उसके लिए है, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा, और महिलाएं मुखर होकर बोलती हैं, मैं उसके लिए आपके माध्यम से मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सो युवा शक्ति, मातृशक्ति बदलाव का बहुत बड़ा कारण राजस्थान में। मोदी के नाम पर वोट तो हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, वो तो आपको कह चुके हैं ना कि ये पार्टी ऐसी है जिसमें पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, उसको छोटी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और खुशी से वो स्वीकार होती है। आपके सामने इतना शानदार उदाहरण है कि पूरा कैबिनेट हटाने के बाद प्रचंड जीत आती है। अब ये देखिए कि कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, वो एक तरह से खुद ही बंदी बन गई है, कांग्रेस पार्टी खुद ही की बंदी बन गई है। अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस की लीडरशिप को बंदी बना लिया है, और जो MLAs हैं उन्होंने गहलोत साहब को बंदी बना लिया है, कोई किसी को नहीं हिला सकता, सब दृढ़ है अपने। हाँ वो सही है, उनके चेहरे पर बाकी कुछ नहीं है, और उन्होंने केवल अपनी ब्रांड बनाई है, बट एनीवे अशोक गहलोत साहब को छोड़िए, उनका काम, उनका समय भी खत्म हुआ है अभी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से राजस्थान के मतदाताओं को, और राजस्थान की मीडिया को, राजस्थान की सोशल मीडिया को, कि आप सब ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, वो पूरे राजस्थान में जगाया। आप सभी तुरंत अपने घर से निकलिए और मतदान करिए, वोटिंग परसेंटेज
शानदार रूप से इस बार राजस्थान उदाहरण दे दे पूरे देश को कि वोटिंग परसेंटेज के अंदर यहाँ हर मतदाता यहाँ का योद्धा है जो देश के लिए खड़ा है और अपना मतदान करता है। लोकतंत्र का महापर्व और प्रत्येक मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। क्या आपका एक मत सत्य न्याय और सद्भाव का प्रतीक होता है, सुशासन और प्रगति का प्रतीक होता है। इसी वोट की पैटी से सुशासन भी आता है और आतंकवाद भी आता है। इसी वोट की पैटी से सत्य भी आता है, असत्य भी आता है, न्याय भी आता है, अन्याय भी आता है। वैसे में हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। राजस्थान की जनता ने पिछले कई दिनों से जाने का मुझे अवसर दिया है। राजस्थान की जनता चल पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट लग रहा है कि भाजपा आएगी वासियों से और मेरे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वासियों से ही सबसे अपील करता हूं कि मतदान अवश्य करें, निर्भीक होकर के करें। आपके एक वोट से देश में कौन जनप्रतिनिधि होगा, किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला होना है। इसलिए आज का दिन उत्सव के रूप में मनाएं और सब निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग करें। सपा के मतदाताओं से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, इसलिए आप विकास को चुने, भारतीय जनता पार्टी को चुने। सापरा में भ्रष्टाचार, जातिवाद, बेईमानी, पेपर लीक, जो पूरे प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं हुई है, इसको हमें उखाड़ कर फेंकना है, कमल का फूल खिलाना है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि हमने या उनको किसी ने समर्थन नहीं दिया, जबकि हकीकत है भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के लोग भी और अन्य दलों के जो निर्दलीय लोग भी, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। उनको स्थिति स्पष्ट हो गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है, उनको विकास का काम करवाना है, तो सब लोग विकास को चुन रहे हैं। भ्रष्टाचार, जातिवाद, बेईमानी, गुंडागर्दी पर वो रोक लगा रहे हैं, उसको नकार रहे हैं। इसलिए वीडियो तमाम जो मतदाताओं के पास भेजे और उनको सचेत करें, क्योंकि ये चुनाव हम भाईचारे से प्यार से हम जीतने वाले हैं। कई जगह इन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी, आपने देखा होगा, वीडियो देखा होगा, तो आप सोच लीजिए ये चुनकर आते तो सापरा के क्या हालत होंगे। सापरा में गुंडागर्दी से जनता जी नहीं पाएगी, इसलिए शांति प्रिय पार्टी जिसका केंद्र नेतृत्व मजबूत है, प्रदेश नेतृत्व मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व में एक अपना दमखम रखती है, इसलिए कमल के फूल को आपको ज्यादा से ज्यादा कमल के फूल पर वोट करना है और राम राज्य की स्थापना करनी है। जो अफवाह फैला रहे हैं उनके तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि अफवाह फैलाने वालों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन दे दिया है। तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ रही है और सापरा में भारतीय जनता पार्टी आ रही है और राम राज्य की स्थापना होगी। दादागिरी, गुंडागर्दी, जातिवाद, भ्रष्टाचार सब पे रोक लगेगी और यहाँ भाईचारे के साथ सापरा का विकास होगा। सापरा को नंबर वन विधानसभा क्षेत्र बनाना हमारा लक्ष्य है, सभी को मैं साथ लेकर चलूंगा। अब सापरा की जनता के लिए जीऊंगा, सापरा की जनता के लिए ही मरूंगा, सापरा की जनता के बीच में रहूंगा, ये आप सबसे मेरा वचन है, वादा है। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, अफवाह से दूर रहे और भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय भाजपा, जय जय राजस्थान। नमस्कार साथियों, मैं रविंदर सिंह वाटी आप सब शिविर देवतुल्य जनता ना निवेदन करनी चाहूं कि आप सब आगे आओ। लोकतंत्र ये त्योहार रमीना, आपरो मतदान करो, आपरो मतदान आने वाला टाइम रमीना आपरो प्रतिनिधि चुने, आपरो ओ प्रतिनिधि जो सदन रमीना बैठ रहा आपरी बात ना आगे मजबूती में राखे। मारो निवेदन आप सभा में, आप सब आगे आओ, मजबूती में ना मतदान करो और मजबूत ना चुनो और हमें लौटा रहा मजबूत रहा। आज मैंने भी मेरे मत का प्रयोग किया है और मेरे जो पैतृक गांव है जयपुरिया खालसा, वहाँ पे बूथ पे आके मैंने अपना वोट डाला है। एक राजस्थान निर्वाचन आयोग का ब्रांड मिनिस्टर होने के नाते मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि घर से बाहर निकलें और वोट डालें। आपका वोट ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, आपका वोट ही इस देश को मजबूत बनाएगा और आपका वोट ही एक आने वाली अच्छी सरकार देगा। लोगों में बहुत उत्साह है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ और अच्छा लग रहा है जब मैं मेरे गांव में आकर के वोट डाला है। तो धन्यवाद।